तो दोस्तों सेकंड टिप ये है कि आपको पॉइंट रमी खेलना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पॉइंट रमी खेलते हैं, खास करके रमी सर्कल में तो आपको पॉइंट रमी खेलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अगर आपने एक ड्रॉप दिया तो आपका 20 पॉइंट जाता है। मान लो अगर मैं आपको 1 रुपीज का ही गेम खेल कर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने 1 रुपीज का गेम खेला यहाँ पर, तो आप जब भी ड्रॉप देते तो आपका 20 रुपीज जाता है। अगर आपने बैक टू बैक 2 ड्रॉप दिए, मतलब 3 बैक ड्रॉप हुए आपके, तो आपके 60 रुपीज गए। और उसके बाद अगर आप, ये भी गारंटी नहीं कि आप जीत जाओगे, अगर जीत जाते तो आपका क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप रिकवर करते हैं। अगर कुछ लोग तो ऐसे ड्रॉप देकर बहुत सारे अमाउंट हार जाते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है क्या है, क्योंकि बहुत सारे, अगर ऐसा भी मान लो कि अगर आपने एक गेम जीता उसमें अगर आपने 100 रुपीज़ जीते, तो उसके बाद होता क्या है कि आप 3-4 गेम हार जाते हो, ड्रॉप देते हो, तो वहाँ से आपका 80 रुपीज़ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों कि आपको पॉइंट रमी में ज़्यादा खेलने नहीं, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पूल्स होते हैं, तो पूल्स रमी आपको खेलना है। वहाँ पर क्या होता है, आपको अमाउंट भी अच्छा मिलता है, वहाँ पर आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, और उसमें जो भी गेम्स होते हैं ना वो आपके हाथ में होते हैं। तो इससे होता क्या है कि आप जैसे अपना स्किल्स दिखाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारे मौके भी मिलते हैं यहाँ पर, सबको वही करना है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यही एक ये करते हैं कि आपको क्या, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन भी उसी में होता है। तो कहा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रमीज में ना क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी गेम्स होते हैं, तो उससे उनको क्या होता है कि उनको फ़ायदा मिलता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई भी अमाउंट जीतते हैं तो उसमें से बहुत सारा अमाउंट कट होता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन को कमीशन के रूप में जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ऐसे गेम्स में ज़्यादातर पॉइंटर में खेलना नहीं चाहिए। और दोस्तों तीसरी और सबसे मेन ट्रिक, दोस्तों नेक्स्ट टिप है जो कि आपको ये गेम्स नाइट में खेलने नहीं, क्योंकि आप क्या करते हैं बहुत सारे लोग नाइट में ये गेम्स खेलते हैं। नाइट में मतलब क्या, 11 से लेके 12, 1, 2, 3 ऐसे इस टाइम पे आपको खेलना नहीं, क्योंकि इस टाइम पे होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे जो प्रो प्लेयर्स होते हैं ना, वो प्रो प्लेयर्स इस टाइम पे यहाँ पर गेम्स खेलते हैं। तो आपको क्या करना है कि भूलकर भी 11 के बाद में गेम्स खेलना नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि प्रो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे आपका जीतने का जो भी चांसेस होता है वो बहुत कम होते। तो होप दोस्तों आपको ये टिप्स और ट्रिक्स जो भी मैंने बताए वो बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना, और अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वहाँ से इसको डाउनलोड करें। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल ऑनलाइन गेम फैंटेसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।